हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम सुबह उठे हैं 4:30 में, क्योंकि घर का काम भी करना था और आज हमारे यहाँ रुद्र अभिषेक भी था और सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा भी था। तो इसीलिए सुबह ही 4:30 बजे हमें उठना पड़ा और बाबू अभी सो रहा था और मुझे स्कूल भी भेजना था, क्योंकि जब तक पूजा स्टार्ट होती तब तक कोई स्कूल से भी आ जाता, तो इसीलिए उसे आज स्कूल भी भेजना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन को भी सफाई करना था। बहुत दिन से भी सोच रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि अभी तो घर पे पूजा भी है तो फिर से सफाई करना होगा, तो इसीलिए मैं सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा, तो इसीलिए साथ में सफाई भी कर दे रही हूँ। मेरा रीज़न यही था सुबह 4:30 बजे उठने का, कि मुझे मेन था कि मुझे किचन भी क्लीन करना था इसीलिए। और आज तो मैं वॉक पे भी नहीं गई, क्योंकि घर पे भी सारा काम भी टाइम पे करना ज़रूरी था। और फिर आज सुबह से बारिश भी जो कंटिन्यू हो रही थी, सुबह थोड़ा बारिश छूटी थी बट मैंने सोचा कि मैं जाऊँ, फिर मैंने मतलब नहीं गई मैं, क्योंकि मेरा सारा मैंने कहा ना मैं सारा काम पेंडिंग में था। और यहाँ पे मैं किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी, तो तब तक क्या है कि बाबू भी थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था उसका उठने का, लेकिन मैंने उसे मतलब शोर नहीं कर रही थी, क्या है ना शोर होने से बच्चे का नींद जल्दी टूटता है, तो इसीलिए मैंने उसे आज थोड़ा लेट से ही उठाई थी, क्योंकि बारिश हो रही है तो उसे तो अभी घूमने तो जाना है नहीं, तो इसलिए मैंने उसे भी छोड़ दिया सोने के लिए। और इनका तो नेट से ड्यूटी चल रहा है तो ये तो ड्यूटी में ही है अभी, उन्हें अभी आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और यहाँ मैंने रात को ही चना भिगोने के लिए रख दिया था, तो मैं उसे चढ़ा दे रही हूँ, तब तक इसमें सीटी भी लग जाएगा और मेरा साथ में मतलब किचन भी साफ़ कर लूँगी, साथ में जो भी मेरा इधर का गैस का काम है वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे बाबू के लिए थोड़ा भिंडी भून दूँगी, भिंडी भी मैंने रात को ही काट के रख दिया था, ताकि मेरा सुबह जल्दी हो जाए काम, और वो भी बिना प्याज के ही, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा बट मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि उसे टिफ़िन में आज सोचा कि मैंने एक पराठा दे दूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ उठाने के लिए और इसे उठा भी रही थी, तो मैं बोल रही थी कि चलो उठ जाओ आज घर पे पूजा है, तो इसीलिए आज वो जल्दी उठ भी गया। तो मैं उसे मतलब बच्चे होते हैं ना उसे बहुत प्यार करना पड़ता है, मनाना पड़ता है, तो बस यही है। तो मैंने उसे उठा दिया, मैंने कहा जाओ देखो दादू क्या कर रहे हैं, तो फिर वो चला गया, मैंने उसे भेज दिया। और बारिश भी छूट चुकी थी तो इसीलिए उसे भी भेज दिया साइकिल लेके। और यहाँ पे मैं तब तक पोछा लगा ले रही हूँ, और मेरे यहाँ पे पोछा वगैरह कंप्लीट हो गया था तो ये भी ड्यूटी से आ गए थे। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है सब्जी, बिना लहसुन प्याज का सब्जी। अगर आप इसकी रेसिपी अगर चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं फुल वीडियो मतलब रेसिपी का नहीं डाली हूँ सब्जी का, क्योंकि मैं जो भी है थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ दिखाई हूँ वीडियो में, शेयर की हूँ। अगर आप अगर डिटेल चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना गाइस। तो यहाँ पे मेरा आलू पटल का सब्ज़ी और यहाँ देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट। और ऐसे भी देखा जाए तो पूजा के दिन आप बनाओ सब्जी ना तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। यहाँ पे मेरा बन गया छोला, और ये पापा भी सुबह में ही नहा वगैरह कर पूजा वगैरह कर लिए थे घर का जो भी है। और यहाँ पे देख सकते हो बना रहे हैं शिव जी। तो यहाँ मिट्टी भी कल ही लेकर ही आ गए थे, जो भी सारा सामान था हमारा आ गया था, तो यहाँ पे ये बना के रख दे रहे, क्योंकि पंडित जी को अब आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छे से बना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों को मतलब कैसा लगा। तो
ये हमारा हो गया है, बट अभी भी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो भी है मतलब पापा थोड़ा बहुत कर दिए हैं, और बाद में जब पंडित जी आएंगे तब फिर वो उसे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारे शिव जी कैसे मतलब बने हैं, और मेरी तरफ से तो 100 में 100 मिलना चाहिए पापा को। और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग से मतलब बनाया था उन्होंने, तो देख सकते हो गाइस काफ़ी। तो इसीलिए मैंने भी एक छोटा सा वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए खासकर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल से रेडी हुई हूँ। और यहाँ पे मैं पूड़ी आ गई थी तलने के लिए, क्योंकि हवन के समय ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पहले से ही मैं बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा में बैठूँगी तो फिर इसलिए बना के रख दे रही हूँ। तो ये भी यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, बट हाँ डाब निकाल रहे थे, क्योंकि शिव जी का जब अभिषेक वगैरह होगा तो उसमें मतलब ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे मेरा तब तक तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरा तेल गरम हो तो मैं पूड़ी बना कर जाऊँ। और दीदी सब भी आई थी और यहाँ पे मतलब सब काम में लगे हुए हैं। पंडित जी भी आ गए थे, वो पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो मैं तब तक यहाँ पूड़ी बना के जाऊँगी, पूजा में फिर बैठूंगी। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहाँ तक है, और पूजा का नेक्स्ट ब्लॉग आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आज का मेरा ब्लॉगिंग कैसा था, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट देना गाइस, और दिल से मतलब लाइक करो यार। बहुत उम्मीद से बनाती हूँ, हर रोज़ एक उम्मीद रहती है, उम्मीद मत तोड़ना गाइस, दिल से सपोर्ट करो। और मेरी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आज का मेरा ब्लॉगिंग अच्छा था या नहीं था। तो मेरी तरफ से तो अच्छा ही था, बट आप लोग अब मुझे कमेंट आप लोग बताओगे कैसा था। तो मैं वहाँ देख रही थी कि पंडित जी कहीं बुला तो नहीं रहे ना, तो बट नहीं, अभी मतलब वो सामान वगैरह सब निकाल रहे थे, जो भी थाली में सजा रहे थे, हमारा जो भी काम था हमने कर दिया था। तो यहाँ पे जो पहले मेरा इधर हो जाए तो मैं जाऊँ फिर। और अभी तो सबको मैं मतलब जो भी अभी घर पे आए नहीं है, जिन्हें आसपास के लोग थे जो अभी आने में उन्हें काफ़ी टाइम है, और बाबू परेशान हो रहा था कि मम्मा कब आएंगे वो लोग, तो यहाँ पे देख सकते हो।